317 टूटने पर यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब जहाँ पे देखिए किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, जो बोलता है उसको यहाँ से उठाते हैं, कोई एक जेल में फेंक देते हैं, कहीं दूसरी जेल में होते हैं। अगर यही हिसाब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ अपोजिशन में कौन बोलेगा। अभी देखिए आप महंगाई कहाँ पे जा रही है, आप देखें पेट्रोल जो है 90 और मेरा ख्याल है अभी एक दो दिन के अंदर अंदर 100 तक पहुंच जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये टोटली फेलियर है, और गरीब आदमी का जीना है जो वो यहाँ पे बोलता, जहाँ पर कुत्ता भी मर जाता था ना तो बीजेपी वाले जम्मू बंद की काम करते थे, आजकल इतना कुछ हो रहा है इनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो डेलीगेशन आया हुआ है, इस डेलीगेशन को यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं। क्या मानना है कि सरकार वही दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है? बिल्कुल, सरकार वही दिखाना चाहती है कि यहाँ के हालात ठीक है। जो किसान लोग चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न में दें, ये रिटर्न में नहीं देते हैं। ये बर्बली कह देते हैं हमारे मोदी साहब के, आप चाहिए हम 1.5 साल के लिए इस कानून को लागू नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जम्मू कश्मीर हिंदू शिवसेना के प्रेसिडेंट कृष्ण सिंह मन्हास जी से। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपका। सर जिस तरह से अगर बात की जाए 370 की, तो कई लोगों ने इसका समर्थन किया और कई लोगों ने इस बात का खंडन भी किया कि ये नहीं हटनी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा एक ही स्लोगन दिया गया था कि विकास, विकास के नाम पे जो है 370 को हटाया गया था। लोगों को उम्मीद, कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई थी लोगों के मन में कि नहीं अब विकास होगा, जो चीज़ें नहीं पहले हमारे जम्मू कश्मीर में हुई वो चीज़ें होंगी। क्या कहना चाहेंगे आप 370 के हटने के बाद जो वादे किए गए थे, जो विकास की बात बड़ी बड़ी की गई थी, क्या वो पूरी अभी तक हो पाई है? देखिए जी 370 टूटने के बाद सबसे पहले ये देख लें आप लोग कि यहाँ पे क्राइम कितना बढ़ गया है जी। दिन दहाड़े जहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी माताएँ हैं, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। चैन स्केचिंग हो रही है, मतलब ये हर किस्म का, पहले जो देखेंगे आप तो इतना यहाँ पे क्राइम नहीं था, 370 टूटने बाद यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 370 जो थी ये उन दिनों में जब ये टूटी थी सभी लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ है, कुछ लोग कहते थे नहीं अच्छा हुआ है, लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोगों ने सोचा था, हमने यही कहा था कि 370 टूटने से क्या होगा कि क्राइम यहाँ से बढ़ जाएगा, और वो क्राइम जो है वो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे बढ़ गया है। हम ये देखते हुए अब ये डिमांड करते हैं इनसे, अपने गवर्नर, अपने LG साहब से, कि यहाँ पे एक तो सेंटर वगैरह से जाकर करें, और ये जो इसको जम्मू कश्मीर को जो स्टेट बना लें ताकि इनको स्टेट का दर्जा मिले, दर्जा मिलने के बाद ये अपना काम कर सकें। अब जहाँ पे देखिए किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे BJP की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट मैं कह रहा हूँ बता ही नहीं सकता ये BJP का क्या राज है यहाँ पे, यहाँ पे गुंडा राज मैं कह सकता हूँ हो चुका है, जहाँ जो भी कोई बोलता है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, डेमोक्रेसी तो टोटली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी है जो हमारे हिंदुस्तान में, जो बोलता है उसको यहाँ से उठाते हैं, कोई एक जेल में फेंक देते हैं, कहीं दूसरी जेल में होते हैं। अगर यही हिसाब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ अपोजिशन में कौन बोलेगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि 370 टूटने पर यहाँ के हालात जो है ये दिन ब दिन बदतर हो जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, जिससे हमारे लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग यहाँ पे सेफ नहीं जी। अब सबसे बड़ी बात अगर करें तो पिछले 1.5 साल से लोग 4G के लिए एक तरफ से मैं कहूँगी भीख मांग रहे थे कि हमें 4G दीजिए। कई सारे पार्टीज़ ने भी उन लोगों का समर्थन किया और कहा कि भाई 4G हमें मिल जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो उन्हें एक ही जवाब दिया गया कि सिक्योरिटी रीज़न के चलते जो है 4G की सेवाएँ बंद कर देगी। अब जिस तरह से इसकी बहाली कर दी गई, सिक्योरिटी रीज़न जो दिया गया था, क्या लगता है वही मुद्दा लेकर ही आगे बढ़े? अब क्या हमारा जम्मू कश्मीर सिक्योर है? नहीं मैडम, कहाँ सिक्योर, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे, ये तो एक इन्होंने ऐसे इशू बना दिया था 4G का, वो कोई नहीं था कि 4G का इसको बंद करना था, उससे बंद होने से मुझे नहीं समझ आई कि जहाँ पे क्या हुआ है, ये इन्होंने ऐसे एक इशू बना रखा हुआ था। कहीं ना कहीं उनकी बात तो सच साबित हुई, अब तो क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है 4G ऑन करने के। क्राइम बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, अब दूसरी बात छोड़े क्राइम तो बढ़ ही रहा है जो भी है। अभी देखिए आप महंगाई कहाँ पर जा रही है, आप देखें पेट्रोल जो है 90 और मेरा ख्याल है अभी एक दो दिन के अंदर अंदर 100 तक पहुंच जाएगा। अपने जो आपके घर में गैस है, जो कि इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, जिसके बिना खाना नहीं बन सकता है, जो कि एक घर की ज़रूरतमंद चीज़ है, वो देखे ये इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी है। मुझे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये टोटली फेलियर है,
और गरीब आदमी का जीना है जो, वो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो चुका अभी है। अभी हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है बढ़ती कीमतों को लेकर, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को लेकर लगातार हर एक विपक्षी दल द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा, जब पहले जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब महंगाई होती थी तो वो प्रदर्शन करती थी, 50 से ऊपर जब पेट्रोल हुआ करता था तो बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाते थे, लेकिन आज उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार में 100 से पार पेट्रोल जा रहा है। मैडम देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहले तो पेट्रोल की क्या बात करते हैं, जहाँ पे मैं रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, जहाँ आपको कुत्ता भी मर जाता था ना तो बीजेपी वाले जम्मू बंद की काल करते थे। आजकल इतना कुछ हो रहा है, इनको कोई असर नहीं हो रहा है। पेट्रोल, आप सर पेट्रोल की बात छोड़िए, जो बाद में लाते हैं, आप देखें जहाँ पे टोल प्लाजा बन गए हैं। एक समय ऐसा आया था कि टोल प्लाजा जो था, हमारे एक मंत्री रह चुके हैं, उनके घर के बाहर बन रहा था, तब बीजेपी वालों ने खुद वहाँ जाकर उस टोल प्लाजा को तोड़ा, वो मंत्री साथ था, जाकर तोड़ा और वो प्लाजा, टोल प्लाजा इन्होंने बनने नहीं दिया। अब आप देखें उसके घर के बाहर ही टोल प्लाजा बना हुआ है, जो पहले ये तोड़ते थे अब ये बनाते हैं। हमारे लिए कितनी मुश्किल है, कितने टोल प्लाजा बन गए हैं। आप जहाँ से सांबा जाएंगे शाम को वापस आएंगे, आप जाती बार भी पैसे देंगे, आती बार भी देंगे। ये टोल प्लाजा से आप देख लें कि ये क्या काम कर रहे हैं। अभी सब पर हिंदू शिवसेना किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए मैडम, हम तो मैंने बताया, हम फाइट करते हैं, हर करते हैं, समय समय पे करते हैं। जो हमें पता चलता है कि जम्मू के साथ कोई भी गलत हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, जहाँ की पब्लिक के साथ हो रहा है, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ गलत होगा तो उसी तरह से हम लोगों के साथ भी जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हम भी पब्लिक में ही आते हैं, हम लोगों के साथ भी गलत। देखिए मैंने कहा, आजकल अपोजिशन यहाँ पे जो टोटली जो है ना, इन लोगों ने ख़त्म कर दी हुई है। जो बोलने वाले लोग थे उनको ने इन लोगों ने ऐसे दबा के रखा हुआ है ताकि इनकी जो आवाज़ है वो बाहर ना निकले और ये अपनी मनमानी करते रहें। मैं आपको यही कहूँगा कि इस वक्त कुछ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी, इन्होंने क्या किया हुआ है, उनको ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया हुआ है, ताकि आप बोलो नहीं, हम जो कर रहे हैं करने दो, अपोजिशन नहीं है। जो अपोजिशन बनती है, जो अपोजिशन वाले शोर डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। फॉरेन से जो डेलीगेशन आई है, क्या लगता है जिस तरह से मुलाकात की जा रही है, क्या उन फॉरेन डेलीगेशन को ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअल क्या हालात है, क्या उनसे उन्हें रूबरू करवाया जाएगा जो भी ये मुलाकात हो रही? आप मुझे बताएं, आप भी गए होंगे, कौन लोग मिल रहे हैं उनको, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो बोलना ठीक समझते हैं, उनको तो मिलने जाने नहीं दिया जा रहा। वही लोग उनसे मिल रहे हैं जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, जो बीजेपी के अंदर है, जैसे बीजेपी का प्रेसिडेंट हो गया या बीजेपी का कुछ स्पोक्समैन हो गया, दूसरे तीसरे लोग। और मुझे आप बताएं, आप भी वहाँ से आया, कौन किसको मिलने जा रहे हैं? हम लोगों को मिलने नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा। वो तो यही देखेंगे, उन्होंने तो बताना है कि जहाँ के हालात जो हैं बड़े नॉर्मल हैं जी। आप देखें, मेरे ख्याल वो श्रीनगर भी गए थे, श्रीनगर से भी आज ही वापस आए हैं। तो यहाँ पे ये जो डेलीगेशन आया हुआ है, इस डेलीगेशन को यहाँ पे आने का कोई फायदा? आपका क्या मानना है कि सरकार वही दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है? बिल्कुल, सरकार वही दिखाना चाहती है कि यहाँ के हालात ठीक हैं, देखिए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आप भी कह रहे हैं, जहाँ जम्मू के लोग भी कह रहे हैं कि जम्मू के हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। एक ऐसा समय आ जाएगा कि जहाँ के हालात जो हैं संभालने मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, आपके माध्यम से एक मैं बात और कह देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे लोगों के दिल में आजकल एक डर बैठ गया हुआ है कि बाहर से लोग आएंगे, यूपी से आएंगे या बिहार से आएंगे जहाँ पे लोग, और नेचुरली जो ये लोग हैं ये क्रिमिनल लोग हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं। मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा जम्मू के वासियों को कि इनके लिए लड़ने के लिए अगर वो यहाँ पे आकर कोई ऐसी वारदातें करेंगे तो उनके लिए यहाँ जवाब देने के लिए हम शिवसेना वाले बैठे हुए हैं। हम उनको मनमानी नहीं करने देंगे, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा साथ जो है इस जम्मू गवर्नमेंट का चाहिए। पेट्रोल की डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तो प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ एक और मुद्दा जो गरमाया हुआ है किसानों का। 4 महीने से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन आज रेल रोको आंदोलन जो है उनके द्वारा चलाई गई। क्या कहेंगे कि किसानों का मुद्दा किस तरह से आगे बढ़ के आएगा, और क्या लगता है उनके, जिस तरह से वो 3 काले कानूनों की बात करें, क्या वो वापस लिए जाएंगे? देखिए मैडम, 3 जो काले कानून हैं जिसके लिए हमारे बेचारे ये लोग बैठे हुए हैं, ये तो मेरा ख्याल है 60-70 दिन के ऊपर ही हो गए हैं जी। और उन्होंने भी कुछ गलत काम किए हैं, उनको चाहिए था जैसे आप एजुकेशन चला रहे हैं वो चलाएं, जैसे इन्होंने लाल क्या नाम है जिसका
वहाँ जाकर झंडा लहरा दिया अपना, ये गलत किया है। तो उसके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय मोदी साहब हैं उनको चाहिए इनकी डिमांड जो है जो माननी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार दोबारा उससे बातचीत तो गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभी जिस तरह से कुछ ही दिन पहले बात की जाए, राकेश टिकैत द्वारा ये कहा गया कि जो ये तीन काले कानूनों की बात कर रहे हैं ये किसानों के बीच में भ्रम है, उनको एक्चुअली इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। जो किसान लोग चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न में दें, ये रिटर्न में नहीं देते हैं। ये बर्बली कह देते हैं हमारे मोदी साहब के, आप चाहिए हम 1.5 साल के लिए इस कानून को लागू नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे। इनको चाहिए किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको बिठाकर, उनके लीडरों को बिठाकर, इन्होंने बिठाया बहुत बार, लेकर ये बिठाते हैं सिर्फ नाम का, उनकी बात सुनते नहीं है। इनको बिठाकर, उनके साथ बैठकर इनको देखना चाहिए कि ये एजिटेशन किस तरह से ख़त्म होगी। इनकी एजिटेशन से मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी जगह के लोग, चाहे जम्मू है, दिल्ली है, बॉर्डर एरिया है, ये सारे लोग परेशान हैं। उनका परेशानी का एक ही हल है कि मोदी साहब को बैठकर इनकी जो डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स हैं इनकी, उसको मान लेना चाहिए और इनकी जो एजिटेशन चल रही है उसको कॉल ऑफ करवा देना चाहिए। शिवसेना क्या कहती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो भी हालात जो बने हुए हैं, किस तरह से सभी लोगों के मसले हल हो सकते हैं? देखिए मैडम, ये तो तभी हो सकते हैं ये पहले स्टेट बन जाए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ जो आवाज उठाता है उसको उठाकर कहीं कहीं ना कहीं जेल में फेंक दिया जाता है। तो पहले तो ये हमारी ये डिमांड है शिवसेना की कि आप पूरे जम्मू हर ऑर्गेनाइजेशन के इसको जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बनाया जाए, तो अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें लड़ना पड़े। बाकी कहें कि इस वक्त अगर कोई बाहर निकलेगा अपने हक के लिए तो ये जो बैठे हुए हैं ये उनकी आवाज़ को दबा देंगे। इनके पास बड़े फार्मूले हैं, बड़े तरीके हैं, किसी ना किसी तरह से ये क्या करते हैं कि उसको दबा देते हैं। ये जो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी को भी फेल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे कृष्ण भनाज जी। साफ तौर से इन्होंने कहा कि अपनी हक की लड़ाई के लिए पहले भी लड़ते आए थे और जिस तरह से लोगों को जो भी समस्या आ रही है उनकी हक की लड़ाई के लिए ये पहले भी लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जमो।